देश में बहुजन समाज पर जुल्म अत्याचार का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। कहा यह भी जाता है कि जब से बीजेपी पार्टी सत्ता में आई है तब से बहुजनों और मुस्लिमों पर जातियों और सांप्रदायिक हमलों में इजाफा हुआ है। ताज़ा मामला यूपी के फैजाबाद से सामने आया है, जहां गोसाईगंज इलाके में जमीन पर कब्जे के लिए दबंगों ने बहुजन समाज के लोगों पर घरों में घुसकर फायरिंग की और पीटा, जिसमें दर्जनों लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। वहीं दबंगों की फायरिंग में एक शख्स को करतूत के छर्रे लगे। खबरों के मुताबिक वारदात को उस वक्त अंजाम दिया गया जब बहुजन समाज के सभी पुरुष मजदूरी करने बाहर गए हुए थे। नगर क्षेत्र में स्थित विवाद का कारण बनी जमीन को हमलावर पक्ष बेनामा कराने की बात कर रहा है, जबकि बहुजन उसे सुरक्षित आबादी की जमीन बता रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि जिन दबंग लोगों ने बहुजन समाज के लोगों पर हमला किया है, क्या प्रशासन उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा या फिर बहुजनों पर ऐसे ही अत्याचार होते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल इंडिया न्यूज़।